तो इस वीडियो में कवर करेंगे सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि मैंने प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज बना रखे, तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर मैंने RPF की मैं दोस्तों रोज वीडियो डाल रहा हूँ और आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाके भी आप आसानी से उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों यदि आपको PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और फेसबुक की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी मैं PDF फाइल और भी इंपॉर्टेंट डाटा आप तक पहुंचाता रहता हूं, तो आप वहां भी जाके जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों एक बार आप ये भी बता दीजिए कमेंट के माध्यम से कि जो मेरी आवाज़ है वॉइस है, मैंने दूसरा माइक लिया है थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, तो जो आवाज़ है आवाज़ थोड़ी क्लियर आ रही है या बिल्कुल दूसरा माइक बदलना चाहिए मुझे, तो आप ये और बता दीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्यों 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 ऐसा होता है? क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण होता है। और दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक साइकिल नॉर्मल चल रही है, ये साइकिल चल रही है, तो इसमें नॉर्मल जो घर्षण है वो किधर लगेगा, आगे लगेगा या पीछे लगेगा? तो दोस्तों 95% लोगों का जवाब क्या होगा कि यानी वस्तु इधर चल रही है तो घर्षण पीछे ही लगेगा, तभी तो रुकेगी, और ये आपका गलत हो जाएगा। आप देखिए, आप इसको इस उदाहरण से समझिए, ये साइकिल के पहिए का बिंदु है जो जमीन से टच है, तो ये किधर जा रहा है दोस्तों, पीछे की तरफ जा रहा है या आगे की तरफ जा रहा है? तो ये साइकिल जैसे ऐसे गोल गोल घूमती है तभी तो आगे चलती है, तो इसका जो बिंदु है ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसमें आप देखिए गति इधर हो रही है पीछे की तरफ, तो घर्षण किधर लगेगा दोस्तों, आगे की तरफ, यानी आप जानते हैं घर्षण गति की दिशा के विपरीत लगता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो साइकिल चल रही है तो उसका घर्षण किधर लगेगा, तो हमेशा याद रखना चलती हुई साइकिल का घर्षण किधर लगेगा, आगे की ओर लगेगा, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम से मैं पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, तो जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है वो इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाई ग्लास कौन सा लेंस होता है? तो जो ये आवर्धक लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस हो जाएगा। दोस्तों उत्तल लेंस क्या होता है? उभरा हुआ होता है, आप ये याद रखें, ये देखिए दोस्तों जो उभरा हुआ दिख रहा है, अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है, और जो समतल दर्पण लेंस होता है ये बिल्कुल ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो कौन सा जीव हो जाएगा जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो जो जंग लगना वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा? जो बेलन घर्षण का उदाहरण हो जाएगा, एक सतह पर चलती हुई गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता, ये बात याद रखना, लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो दोस्तों इसमें जो दोष होता है वो उल्टा होता है, यानी यदि पास की वस्तुएं नहीं दिख रही है तो कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष, और यदि दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही है तो कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। अब देखिए इनको पास की वस्तुएं नहीं दिख रही तो कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो ये आंवला होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से गिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से गिरा हुआ ग्रह कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है, किसमें? तटीय क्षेत्रों में, यानी तटीय क्षेत्रों में दोस्तों आप रहते हैं जानते हैं नमी वगैरह होती है, तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया यहाँ पर बहुत जल्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को विसंक्रमित, संक्रमित नहीं दोस्तों, विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो जो पानी को बिल्कुल प्योर रहे, पानी बिल्कुल क्लियर रहे, उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो जो समुद्री हवा है ये किसका परिणाम है? संवहन का परिणाम है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और दोस्तों बात करें चालन, थोड़ा मैं इसके बारे में और जानकारी बता देता हूँ, चालन संवहन और विकरण, तो जो ऊर्जा का संचरण होता है वो या तो चालन के रूप में होगा या संवहन के रूप में होगा या विकरण के रूप में होगा। तो जो चालन होता है ये जो होता है ये चालन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है, और जो संवहन होता है ये किस में? लिक्विड्स में और गैस में होता है, और जो विकरण होता है उसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ये भी याद रखना। अब दोस्तों बात करें हीट का ट्रांसफर, तो जो हीट का ट्रांसफर चालन में यदि कोई हीट का ट्रांसफर होगा तो जो माध्यम के कण हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, यानी आप देखिए कोई भी आप लोहे की चीज़ या फिर कोई तवा ववा गर्म होता है तो जो हीट का ये यानी इस
इस बिंदु से इस बिंदु तक जब ट्रांसफर होती है ईंट, तो ऐसा होता है क्या कि तभी के ये वाले बिंदु यहाँ से पतला हो गया, यहाँ पे आके मोटा हो गया? तो ऐसा तो नहीं होता। तो चालन में दोस्तों क्या होता है, जो माध्यम के कण होते हैं वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। उसके बाद दोस्तों बात करें संवहन। संवहन में जो आप जानते हो कि जो माध्यम के कण होते हैं वो विचलित हो जाते हैं, यानी जैसे आप पानी गर्म करेंगे तो पानी में आप जानते हैं इधर का पानी उधर हो जाता है गर्म करने से, और विकिरण तो आप जानते ही हैं बिल्कुल, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें प्रकाश के 7 रंग उपस्थित होते हैं, यानी कोई श्वेत प्रकाश को अपन प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। 7 रंग क्या हो जाएंगे? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल हो जाएगा। और जो दोस्तों ये लाल रंग होता है ये बहुत कम विचलित होता है, यानी इसका लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से किसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, और ये जो बैंगनी है इसका क्या होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, यानी सबसे ज्यादा विचलित कौन से रंग होता है, ये बैंगनी होता है, और सबसे कम विचलित कौन सा होता है, लाल रंग होता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी स्टॉपेज की लाइट या फिर कोई भी खतरे की लाइट लाल दिखाई जाती है, जिससे आप दूर तक इसको देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया बनने का क्या कारण है? तो छाया बनने का क्या कारण है, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में यात्रा करता है, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10^8 m/s होती है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रकाश की चाल होती है किसमें सबसे ज़्यादा, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और ठोसों में यदि अपन बात करें तो दोस्तों ठोसों में सबसे कम होती है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए वह सूक्ष्म जीव जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वायरस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किसका ऑक्साइड है? ये जंग किसका ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मिनिएटर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है? तो ह्यूमस जो है वो ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जो जैव पदार्थ होता है उसे प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं, जल संचयन कहते हैं, यानी वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फॉस्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, तो इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? तो पहली अभिक्रिया क्या होगी, जो लाल फॉस्फोरस है ये सफेद फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है उनको, उन प्लास्टिक को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और इंपॉर्टेंट भी, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ साथ आप ये बात भी याद रखना, तो जो दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो काय में होती है, पौधों के अंदर हरित लवक में होती है, और हरित लवक में दोस्तों ऐसे जो बने होते हैं गोल गोल, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ग्रेना, और जो डॉट 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 रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि, और भी यदि थोड़ा डीपली पूछ ले, तो किसमें प्रकाश की अभिक्रिया होती है और किसमें अंधकार में अभिक्रिया होती है? तो जो ये दोस्तों ग्रेना होते हैं इनमें कौन सी होती है, प्रकाश की अभिक्रिया होती है, और जो स्ट्रोमा होते हैं इनमें कौन सी, अंधकार में अभिक्रिया होती है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 98.3 MHz में MHz का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मिलियन हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वृद्धि कर हार्मोन्स इसमें उत्पादित होते हैं, तो जो वृद्धि कर हार्मोन्स होते हैं वो किसमें उत्पादित होते हैं, पीयूष ग्रंथि में होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों पीयूष ग्रंथि में बात करें तो जो पीयूष ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी देखो एक ग्रंथि होती है बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी में कौन कौन सी आती है, जैसे अश्रु ग्रंथि यानी जो तेल ग्रंथि जो आंसू के रूप से निकलते हैं, तेल के रूप से तेलीय त्वचा, आपने नाम सुना होगा, तो ये कैसी हो जाएगी, बाह्यस्रावी हो जाएगी। और जो ये पीयूष ग्रंथि है ये कैसी है, अंतःस्रावी है। और जो ये पीयूष ग्रंथि होती है
ये कहाँ अपने स्कल में पाई जाती है, ये भी आप याद रखना। और ये छोटी सी रहती है मटर के दाने के आकार की, इसका वजन बहुत ही कम होता है। इसके वजन की दोस्तों बात करें तो इसका वजन होता है 0.6 ग्राम होता है, यानी बहुत ही उपस्थित होती है। यह अपने कपाल में तो उपस्थित होती है परंतु मस्तिष्क का बिल्कुल भी ये भाग नहीं होती। और इससे बहुत से यानी ग्रंथि से बहुत से इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि वहाँ 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, यही शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 97% दोस्तों यहाँ क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है, दनाइन कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है, ये क्या कहलाती है, बवंडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कोई पदार्थ गर्म होगा तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो ये ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य संघटक क्या है, तो इसका मुख्य संघटक क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो एक विद्युत सेल में कितने, दो टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है, तो सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जन का क्या कारण है, तो यानी जो मेघ गरजते हैं वो आप जानते हैं, उनका कारण क्या है, तो उनका कारण है विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो जो ये तरल दबाव को मापने के लिए किसको, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू वायरस का वाहक है, तो कौन हो जाएगा, डेंगू वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर हो जाएगा। दोस्तों याद रखो, वाहक यानी ये फैलाता है, ये आप याद रखना, तो कौन पे फैलाता है, मादा एडीज मच्छर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया, तो किसने पता लगाया था, ये विलियम ब्यूमोंट ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है, यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है, तो किसके द्वारा, समतल दर्पण में आप जानते हैं दर्पण के पीछे बनता है, सीधा और बिल्कुल समान आकार का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो जो वायु के वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, एनीमोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है, तो जो पवने चलती है उनका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, पृथ्वी का असमान ताप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है, तो चींटी काटने से क्या होता है, तो चींटी काटने से फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अग्नाशय रस क्या काम करता है, तो जो ये अग्नाशय रस होता है क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जो अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं उनको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है, तो रोगाणुओं से लड़ने में कौन मदद करती है, सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, और इन्हें पुलिस सेल्स भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है, तो ये पित्त रस है, ये किसके द्वारा, यकृत के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन इसका उदाहरण है, तो लाइकेन किसका उदाहरण है, सहजीवी संबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है, तो कौन सा लेंस करता है, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इसी के साथ साथ आप ये RPF की तैयारी कैसे करें इसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं, और कौन सी बुक प्रेफर रहेगी उसके लिए भी आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए में मनोज विंतिया चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल का आइकन को जरूर दबाएँ। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।